बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप लोग? ठीक हो बच्चों? मैं उम्मीद करता हूँ हम लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे और एंजॉय करेंगे। आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। आज के इस वीडियो के अंदर बच्चों हम लोग बात करेंगे 9th क्लास के जो रिमेनिंग 3 पेपर्स हैं उनके ऊपर, वो पेपर्स कब होंगे, उनकी डेट शीट अगेन कब आएगी, वो रीशेड्यूल कब होंगे। नहीं, क्योंकि बच्चे ना बहुत ज़्यादा परेशान है। बच्चों को ये लग रहा है कि हमारा कल पेपर है या परसों हमारा पेपर है मंडे को, तो बच्चे ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। यू हमारी डेट शीट आई है 9th क्लास की, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने एक और डेट शीट आपके साथ शेयर की थी जिसके अंदर जो आपके पेपर्स हैं वो 15 से स्टार्ट हो रहे थे। 15 को आपका पहला पेपर था तर्जमतुल कुरान का, उसके बाद केमिस्ट्री का था और उसके बाद जो है वो इस्लामियात का था। अब उसको अगेन जो है वो हमारे पंजाब के जो बोर्ड्स हैं उन्होंने चेंज कर दिया है। अब जो न्यू आप लोगों की डेट शीट है 9th क्लास की, जो रीशेड्यूल हुए हैं पेपर, वो ये है। ये आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आ रही है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो आपका पहला पेपर है वो अब 17 को होगा तर्जमतुल कुरान का, और उसके बाद आपका केमिस्ट्री का पेपर होगा बच्चों, और उसके बाद लास्ट पे जो आप लोगों का पेपर है वो इस्लामियात का है। तो बच्चों अभी जो डेट शीट है वो यही है, इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी रखें। इसके अलावा इंशाल्लाह अगर कोई फर्दर, अल्लाह ना करे, अगर कोई चेंजेस हुई तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन फ़िलहाल यही है। वो जो 15 वाली है बच्चों वो चेंज हो गई है। तो बच्चों इसके अंदर जो आप लोगों की रोल नंबर स्लिप है वो आप वही पुराने वाली भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप न्यू जो है वो आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आप बोर्ड की वेबसाइट से आप वो न्यू जो है रोल नंबर स्लिप भी डाउनलोड कर सकते हैं, और आप दोनों में से जो भी यूज़ करना चाहते हैं आप यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जबकि बच्चों जो इंटर के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो एग्ज़ाम हैं वो उसी डेट शीट के अकॉर्डिंग होंगे, उसके अंदर किसी किस्म का कोई चेंज नहीं हो रहा अभी तक बच्चों। अगर कोई फर्दर हुआ तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। दो में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।